हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निकल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लाइनर बोल्ट रेगुलेटर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। लाइनर बोल्ट रेगुलेटर के दो प्रकार होते हैं, सीरीज बोल्ट रेगुलेटर और शट वोल्टेज रेगुलेटर। सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में वेरिएबल एलिमेंट का उपयोग होता है जो लोड के सीरीज में रखा जाता है। उस सीरीज एलिमेंट के रेजिस्टेंस को बदलने पर उसके अक्रॉस वोल्टेज को हम बदल सकते हैं फ्रेंड। और लोड के पास जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। जो भी करंट ड्रॉ होता है लोड से, उसे इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है। और ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का सबसे बड़ा लाभ है। यहाँ तक कि जब लोड को करंट को की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। इसलिए सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर शट वोल्टेज रेगुलेटर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यह कैबिनेटेशनल रेगुलेटर के पास जेनर डायोड कंट्रोलेड ट्रांजिस्टर है जो लोड के साथ सीरीज में है। यह रेगुलेटर में वेरिएबल एलिमेंट ट्रांजिस्टर वेरिएबल इनपुट वोल्टेज के आधार पर रैंपिंग रेजिस्टेंस अप या डाउन होता है ताकि स्टैंड और कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिले। सेट वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं। सप्लाई वोल्टेज को वेरिएबल रेजिस्टेंस के ट्रोज ग्राउंड को पार्ट से क्रेडिट करके सेट वोल्टेज रेगुलेटर अपना काम करता है। शट रेगुलेटर के माध्यम से फ्रेंड लोड से ज़मीन में बेकार ढंग से प्रवाहित होता है। शट रेगुलेटर के माध्यम से करंट को लोड से डाइवर्ट करके ग्राउंड में यूनिलेस फ्लो करा दिया जाता है और इसलिए वो सीरीज रेगुलेटर से कम इफेक्शेंट है। लेकिन यह बहुत ही सिंपल होता है जिसमें सिर्फ वोल्टेज रिफरेंस डायोड होता है और ये बहुत ही कम पावर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। फिर जहाँ करंट का वेस्ट बहुत ही छोटी सी बात है, ये फ्रॉम वोल्टेज रिफरेंस सर्किट को कॉमन है। एक सेट रेगुलेटर सिर्फ करंट को ही सिर्फ सिक कर सकता है फ्रेंड। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड।